हमने फर्क समझा बिटवीन अ फ्रीलांसर, होम बेस्ड बिजनेस एंड ऑफ कोर्स एंटरप्रेन्योरशिप. अब ये जानना भी जरूरी है कि आप अगर डिसाइड करना चाहते हैं, इफ देयर इज अ थिन फाइन लाइन जो आपको डिसाइड करनी है कि आपने इस साइड पर रहना है या इस साइड पर रहना है. एक साइड है फ्रीलांसिंग, एक साइड है होम बेस्ड बिजनेस, ऑनलाइन ही हो सकता है वो भी. तो आप क्या डिसाइड कर सकते हैं? हाउ वुड यू डिसाइड दैट? मैं आपके सामने कुछ इंफॉर्मेशन लाना चाहता हूं जिसको सुन के आप डिटरमिन कर सकते हो कि विच लाइन यू वॉन्ट टू गो टू. फ्रीलैंसिंग ये बात तय है कि यू नीड टू हैव अ स्किल, एक स्किल पे कमांड होना चाहिए और उस स्किल को आप ऑफर करते हो एज अ सर्विस ऑन अ फ्रीलांस मार्केट प्लेस ऑनलाइन एंड ओनली देन यू कैन वर्क एज अ फ्रीलांसर. उसमें बहुत सारे हिडन पैरामीटर्स हैं जिनको हम डिटेल से डिस्कस आउट कर चुके हैं कि कैसे आप सक्सेसफुल हो सकते हो, जो अभी हम बात नहीं करेंगे. अगर हम होम बेस्ड या ऑनलाइन बिजनेस की बात करते हैं, उसमें आपको डिजिटल स्किल की ज़रूरत नहीं होती, ऑफलाइन स्किल की ज़रूरत शायद पड़ सके. मिसाल के तौर पे अगर आप खातून हैं और आप बेकिंग करना जानती हैं, आप कुकिंग करना जानती हैं, आप अच्छा केक बना सकती हैं, तो ये एक ऑफलाइन स्किल तो है ना, ऑनलाइन नहीं लेकिन स्किल तो है. इस बिजनेस को ऑनलाइन बेचने का नाम ऑनलाइन बिजनेस है. अब आपने डिसाइड करना है दोनों सिनेरियोस को देख के कि आया आपका इंटरेस्ट, आपका एप्टीट्यूड एक डिजिटल स्किल को लर्न करने के बाद फ्रीलांसिंग का काम स्टार्ट करने में है या ऑनलाइन बिजनेस जिसमें आपको प्रोडक्ट या कोई स्किल यानी कि सर्विस ऑफर करने में है. ऑनलाइन बिजनेस में फ्रीलांसिंग से जो फर्क है ना, वो फर्क आपके मार्केटिंग और उसके बाद सेल्स में है. अगेन इसी एग्जांपल को देख लेते हैं जो अभी हमने फ्लोट की, कि अगर आप अच्छा केक बना सकती हैं या बना सकते हैं फॉर दैट मैटर, मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहता, अगर आपके पास एक स्किल है, आप अच्छी बेकिंग कर सकते हो अपने बिजनेस को आउटरीच करवाने के लिए, अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बताने के लिए, पहला काम तो आपको मार्केटिंग करना पड़ती है, विच रिक्वायर्स मनी, विच रिक्वायर्स अ स्किल अगेन टू रीच आउट टू योर टारगेट ऑडियंस ऑनलाइन ही. ऑफकोर्स कैसे, किन पैरामीटर्स को यूज़ करके, वो आपको हम ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में बड़ा डिटेल से बता रहे हैं. दूसरी बात जनाब सेल्स है. अब सेल्स जब तक नहीं होगी तो कारोबार कामयाब नहीं होगा. वो तो खैर किसी भी कारोबार के लिए, किसी भी यू नो बिजनेस के लिए प्री रिक्विजिट है कि अगर सेल्स होगी तो कारोबार चलेगा, फले फूलेगा. अगर सेल्स नहीं होगी तो वो कारोबार ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा. तो आपने ये डिटरमिन करना है कि आया आप एज अ फ्रीलांसर स्किल सीखना चाहते हो ऑनलाइन स्किल, या आप स्किल सीखना नहीं चाहते, आप बिडिंग नहीं करना चाहते, आप काम तलाश नहीं करना चाहते ऑन अ फ्रीलांस मार्केट प्लेस. इंस्टेड यू आर मोर फोकस्ड टूवर्ड्स स्टार्टिंग यूर ओन ऑनलाइन बिजनेस, चाहे आप प्रोडक्ट बेचें या चाहे आप सर्विसेज बेचें. प्रोडक्ट से रिलेटेड मैं थोड़ा ब्रीफली वजाहत करता चलूं कि प्रोडक्ट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी अ डिजिटल प्रोडक्ट, इट कुड बी अ फिजिकल प्रोडक्ट. अगर आप ऑनलाइन घड़ियां बेचते हैं तो आप कहीं से बल्क में घड़ियां खरीदेंगे और उसके बाद आप अपना कोई पेज बनाओगे, आप अपना कोई वेबसाइट बनाएंगे, आप अपना कोई पिंट्रस्ट यू नो सोशल मीडिया प्रेजेंस करोगे, एंड देन यू विल हैव टू प्रमोट दैट पर्टिकुलर वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिस पे आपका कारोबार लिस्टेड है दुनिया तक, अपनी टारगेट ऑडियंस तक. सो दिस इज़ यू नो समथिंग यू नीड टू डिसाइड कि आया आप सॉर्ट ऑफ लाइक डिजिटल मजदूरी
एज अ फ्रीलांसर करना चाहते हो या सेट मोड में जाके थोड़े पैसे लगा के टाइम का इंतज़ार करके. टाइम का इंतज़ार क्यों मैंने वर्ड यूज़ किया, फ़नी वर्ड यूज़ किया. भाई आपने कोई कारोबार स्टार्ट किया, रातों रात तो आपके पास क्लाइंट आना नहीं है. आ गया तो बड़ी मेहरबानी, ऊपर वाले का कर्म समझिए, बट आता नहीं है इतनी जल्दी. आपको इंतज़ार करना पड़ता है, बिकॉज जब आप मार्केटिंग करोगे तभी आपकी सेल्स होगी. कॉमन सेंस, एग्रीड. तो इसलिए ये टाइम का इंतज़ार वाला जो फ़नी वर्ड है ना, ये मैंने यहाँ पे यूज़ किया है. लोगों को पेशेंस दिखाना पड़ता है ऑनलाइन बिजनेस में. वेयर एज फ्रीलैंसिंग, आपने एक्चुअली अपनी बात एम्प्लॉयर तक पहुँचा दी. अब एम्प्लॉयर को पसंद आई तो ऐन मुमकिन है घंटों के अंदर आपको प्रोजेक्ट अवार्ड हो जाए और आप काम स्टार्ट कर लें. सो दिस इज़ हाउ यू नीड टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू एंड डिसाइड कि क्या आप फ्रीलैंसिंग करना चाहते हो या आप ऑनलाइन बिजनेस, होम बेस्ड बिजनेस करना चाहते हो.